गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया और स्क्रीन शेयर हो गया है। हाँ मैम, अच्छा देखो, जॉब बैच कर रहे थे इस क्लास में, वो तो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्टिंग का मतलब ही क्या होता है? किसी भी चीज का कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका टेक्निक। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में जो भी काम होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जो भी काम होता है, मतलब जो काम मोर देन 1 ईयर तो होगा ही होगा। एक बार सोच के देखो, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी काम होता है वो बहुत, मतलब बहुत बड़ा काम होता है और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लगता है। जैसे कि ब्रिज बन रहा है या फिर कोई रोड बन रहा है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम, कोई बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में काम होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, गवर्नमेंट के तरफ से भी होता है, प्राइवेटली भी होता है। अब जैसा काम रहेगा उस हिसाब से, जैसे सड़क वड़क बनता है जो कि रोड, ये सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट, अब सड़क बनने में टाइम तो लगता ही है, उसी तरह से। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम है उसके लिए जो भी हमारा खर्चा होता है, उसके लिए जो कॉस्टिंग टेक्निक यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नॉर्मली जो जिस वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग विशाल। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, अब वही चीज को एक बार लिखवा लेते जो मैंने बोला। ए कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिग जॉब। जॉब मतलब जॉब कॉस्टिंग जैसे कर रहे थे ना, वो भी तो स्पेसिफिक ऑर्डर पे होता है, ये भी स्पेसिफिक ऑर्डर पे होता है। कोई भी अपने मर्जी से थोड़ी ना रोड कहीं से कहीं भी बना देगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा उस हिसाब से बनाएगा। ब्रिज बनवाना है वो तो कॉन्ट्रैक्ट जहां पर डिसाइड हुआ है उसी जगह पे, जहां बिल्डिंग बनना है तो एक पर्टिकुलर डिसीजन वाइज, और वो बिल्डिंग कैसे बनेगा या फिर रोड कहाँ से कहाँ तक बनेगा तो वो स्पेसिफिकली होता है। लेकिन ये बिग जॉब है, ठीक है, छोटा छोटा जॉब नहीं है। तो बिग जॉब जनरली रिक्वायरिंग द एग्जीक्यूशन पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेके प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को तो अपना अकाउंटिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। और हर एक अकाउंटिंग कब प्रिपेयर होता है? 1 साल के अंदर। हर बार हम लोग फाइनल अकाउंट्स कब बनाते हैं? जब एक ईयर एंडिंग आता है तब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और वहां पर हम लोग चेक करते हैं, हम लोग जो भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारा प्रॉफिट है कि लॉस। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है तो उसमें उसका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो तो डिपेंड कर रहा है। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर, गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग मैम। मुझे ये बताओ, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3-4 साल में, मान लो 3 साल लगेगा, जो हम लोगों ने मान लो एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 3 साल लग रहा है, तो 3 साल में, 3 साल बाद क्या फाइनल अकाउंट्स बनेगा या फिर हर एक साल में ही फाइनल अकाउंट्स बनना चाहिए? सोचो क्या होना चाहिए, तुम लोग को क्या लगता है? हर एक साल में बनना चाहिए। हर एक साल में बनना चाहिए, लेकिन क्या प्रॉफिट हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा? जब तक 3 साल, मतलब काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि नो नो, प्रॉफिट है कि लॉस? डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उस ईयर तक क्या सिचुएशन है वही हम अपना प्रॉफिट या लॉस उसी हिसाब से मानेंगे। नहीं तो मान लो अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी शेयर मार्केट लिस्टेड है तो शेयर होल्डर लोग उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी या नहीं करेगी वो तो हर साल के, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड
करता है, जैसे कि कैश फ्लो, फंड फ्लो, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई कंपनी बोले कि हम 3 साल बाद का पीएल निकालेंगे, तो फिर कौन उसके कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा कोई भी। तो इस वजह से क्या होता है, चाहे काम को कंप्लीट होने में 3, 4, 5 जैसा भी टाइम क्यों ना लगे, कितने भी साल क्यों ना लगे, हम लोग हर साल जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते वैसे ही करेंगे। बट हाँ, एग्जैक्टली हमें कोई प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, हम लोग क्या करेंगे, नोशनल प्रॉफिट निकालेंगे, मतलब उस ईयर तक क्या सिचुएशन है उसके बेसिस पे, ओवरऑल नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखो, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, वही लिखा है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिग जॉब जनरली रिक्वायरिंग द एग्जीक्यूशन पीरियड ऑफ मोर देन वन ईयर, ठीक है। हाउएवर, उसके बाद यही वाला चीज लिख रहा है, हाउएवर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स must be closed at the end of each year, ignoring the percentage of percentage of कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितना कंप्लीट हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कंप्लीट मान लो 3 साल बाद ही होगा, लेकिन जितना तक कंप्लीट हो रहा है, जो सिचुएशन में है, उतने तक का अकाउंटिंग हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब लिखो, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर a separate account for each contract for the purpose of ascertaining the amount of profit or loss from each such contract. The amount of profit or loss so computed is to be transferred to the PL of the company this way we will be able to calculate the amount of total profit or loss of the business organization. As a whole. देखो ये क्या लिखा है, समझाते के एग्जाम्पल से यहां पर ही करके दिखाते हैं। सपोज हमारा 2 कॉन्ट्रैक्ट है, 3 कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2
और कॉन्ट्रैक्ट थ्री, तीन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है हमारा, ठीक है। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट का भी हम लोग अपना लेजर बनाएंगे। पहले कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा हो सकता है, तो यहाँ पर टू एक्सपेंसेस, जैसे पीएल होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो पीएल मतलब एक्सपेंस टू एक्सपेंस बाई इनकम, ठीक है। पहले कॉन्ट्रैक्ट में इनकम और एक्सपेंस आया और ओवरऑल करके प्रॉफिट आया, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट आया, ये एक होगा, ठीक है। दूसरे वाले में भी यहाँ पर लिखते हैं टू एक्सपेंस, ठीक है, बाय इनकम, और इसमें सपोज लॉस आया, कॉन्ट्रैक्ट टू को परफॉर्म करके लॉस आया हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट थ्री इसमें भी एक्सपेंस और इनकम होगा, एक्सपेंस इनकम और टू प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब हम लोग को करना क्या है, ये भी, ये जो प्रॉफिट एक ओवरऑल पीएल बनता है कंपनी का, वहां पर हम लोग ये प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट वन में हमारा प्रॉफिट आया था, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वन का जो प्रॉफिट है ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज यहाँ पर ये कलर से कर दिया कॉन्ट्रैक्ट वन, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई कॉन्ट्रैक्ट वन, प्रॉफिट है तो बाई कॉन्ट्रैक्ट वन। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट टू में लॉस आया, तो इसको लिख देते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट टू, और कॉन्ट्रैक्ट थ्री में प्रॉफिट आया, इसको लिख देते हैं बाई कॉन्ट्रैक्ट थ्री, और उसके बाद हम लोग ओवरऑल एक प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, ठीक है, अगर प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट, आई होप प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि दो बार प्रॉफिट एक बार लॉस से डिपेंड कर रहा है लॉस कितना है, तो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आ सकता है। तो वही चीज देखो यहाँ पर मैंने लिखवाया है, यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया है, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो सेपरेट अकाउंट ईच कॉन्ट्रैक्ट का हम लोगों ने बना लिया, क्यों, ताकि हम लोग एसर्टेन कर पाए कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है हर एक कॉन्ट्रैक्ट में इंडिविजुअली, ठीक है, वही चीज लिखवाया, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में इंडिविजुअली क्या प्रॉफिट या लॉस है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस सो कंप्यूटेड इज टू बी ट्रांसफर टू द पीएल ऑफ द कंपनी दिस वे, और इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, कंपनी का जो पीएल है उसमें ये ट्रांसफर कर देना है। कंपनी ने अलग तीन कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन ओवरऑल कंपनी का जो पीएल है उसमें उसे ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि जब शेयर होल्डर लोग ये सब क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें कॉन्सोलिडेट एक बैलेंस शीट तो चाहिए होता है, कॉन्सोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चाहिए होता है, हम लोग इंडिविजुअल थोड़ी ना हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए चेक करेंगे, इसीलिए कॉन्सोलिडेट किया जाता है, तो कॉन्सोलिडेट पीएल बनेगा यहाँ पर। The amount of profit or loss so computed is to be transferred to profit and loss of the company. This way, we will be able to calculate the amount of total profit and loss of the business organization as a whole. ये तो individual contract का profit या loss बता रहा है, लेकिन इस businessman का मतलब इस contract company का कितना profit या loss है ये हमें calculate करने आना चाहिए, ठीक है, मतलब calculate करना पड़ेगा, ये necessary है, इसलिए एक overall PL हम लोग बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट मे बी क्वाइट पॉसिबल देयर आर सम एक्सपेंसेस which are not related to a particular contract. In such case, the amount of expense is to be charged to profit and loss of the business organization. मतलब
अगर ऐसा कोई खर्चा दिया हुआ है जो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उस खर्चे को पीएल में चार्ज करेंगे। मतलब जब हम लोग इसका क्वेश्चंस करेंगे तो कैसे होगा, उस वजह से मैंने ये पॉइंट यहाँ पर डाला कि अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस है जो कि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को रिलेट नहीं कर रहा है, जिसका अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं, तो उस केस में उस खर्चे को सीधा पीएल में हमें चार्ज कर देना है, बिजनेस का खर्चा बोल के। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है बट बिजनेस का खर्चा है। अच्छा, वाइल, उसके बाद वाइल प्रिपेयरिंग द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट must be recorded on the debit side of the account। तो ये तो नॉर्मल सा बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट मेरा एक नॉमिनल अकाउंट है तो हमेशा सारा एक्सपेंसेस कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। तो वही बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग सारा एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, उसके बाद द एग्रीगेट ऑफ सच एक्सपेंस और इस एक्सपेंसेस का जो एग्रीगेट होगा मतलब टोटल होगा उसको क्या बोलेंगे, इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट। ठीक है, इसे बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, मतलब अभी तक का जितना भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाइल प्रिपेयरिंग द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द अमाउंट ऑफ इनकम इज टू बी recorded on the credit side and it is to be presented in the following manner। अच्छा, देखो क्या लिखा है, वाइल प्रिपेयरिंग द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द अमाउंट ऑफ इनकम इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हम लोग इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, नॉर्मल से बात है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसके क्रेडिट साइड में इनकम और गेन जाएगा और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस जाएगा। और कैसे इसको प्रेजेंट करना है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब जो टाइम पीरियड होगा फॉर द ईयर एंडेड, इस तरह से यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड बोल के, फॉर द ईयर एंडेड भी हो सकता है इसमें या फिर फॉर द पीरियड भी हो सकता है, जैसे कि 9 months का कोई कॉन्ट्रैक्ट था वो भी हो सकता है। तो फिर अगर मतलब क्वेश्चन में नॉर्मली ऐसे होता है, ठीक है, कि 9 months का बाकी है, उतने का हम लोगों को करने के लिए बोला है, तो फॉर द पीरियड भी हो सकता है, फॉर द ईयर एंड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो जाएगा इधर, और इधर हम लोग ऐसे करके रिकॉर्ड करेंगे अर्निंग को बाय WIP बोल के। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें लिखेंगे एक पॉइंट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और यहां पर होगा कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड या फिर इसको बोला जाता है अनसर्टिफाइड। यहाँ पर ये दो पॉइंट हमें ध्यान से देखना है, एक में लिखा हुआ है वैल्यू, एक में लिखा हुआ है कॉस्ट। ठीक है, तो ये दोनों बात से डिफरेंस हो जाएगा वैल्यू और कॉस्ट से। देखो वैल्यू और कॉस्ट का क्या डिफरेंस होता है, जैसे अगर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो यहां पर हम लोग लिखते हैं बाई
सेल्स और ऐसे ही लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो मुझे बोलो इसमें कौन सा वैल्यू बता रहा है और कौन सा कॉस्ट बता रहा है, कौन सा डेटा वैल्यू मेरे स्टॉक क्लोजिंग कॉस्ट बता रहा है और सेल्स वैल्यू। करेक्ट, सेल्स वैल्यू बता रहा है, मतलब जो चीज सेल हो जाएगा, मतलब जो चीज मार्केट में सेलेबल है, जो बिक सकता है, उसी में हम लोग प्रॉफिट जोड़ सकते हैं। वैल्यू मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट नहीं है मतलब सिर्फ कॉस्ट है, ठीक है, ये नहीं सेल हो सकता है। तो जो नहीं सेल हो रहा है, अब रीजन जो भी हो, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए इसका मतलब हम लोग अभी बेच नहीं पाए या नहीं बिका, ठीक है, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में भी हम लोगों को अपना प्रोडक्ट को तो बेचना पड़ेगा। जो रोड बना रहे हैं वो रोड अगर उल्टा सीधा बना देंगे थोड़ी ना कोई खरीदेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोड को बीच बीच में उसे सर्टिफाइड करवाना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज ऐसे नहीं है कि हम लोग नॉर्मल बेच दे। वैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक सर्टिफाइड तो होता ही है कि हाँ ये सर्टिफाइड है, तभी जाके वो मार्केट में सेलेबल होता है। कोई भी अपना ही ऐसे नहीं बेच सकता है, कोई खाने पीने का चीज है तो फैसाई ये सबसे हमें उसका सर्टिफिकेशन करवाना पड़ता है। उसी तरह से अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसका सर्टिफिकेशन कौन देता है, आर्किटेक्चर लोग देता है, ठीक है। आर्किटेक्चर आके चेक करेगा कि जितना बना है, जितना कंस्ट्रक्शन अभी तक बन चुका है, क्या वो सेलेबल है, मतलब क्या वो ऐसा बना है, क्या वो रोड पब्लिक चलने के लायक है, क्या वो ब्रिज में हम लोग अगर चले उसमें कोई खतरा नहीं है, क्या वो सही बना है। अगर सही बना है तो उसे सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, और सर्टिफिकेट इशू करने पे उसे हम लोग सेल कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मान लो 5 साल का है, लेकिन 5 साल तक क्या बिना पैसे से अपना ही पैसा लगा के काम करते जाएगा, तब तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पहले कुछ एडवांस पैसा ले लिया जाता है, ठीक है, फिर काम शुरू किया जाता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा काम सर्टिफाइड करवा के बेचा जाता है, उससे क्या होता है पैसा आते रहता है, फिर काम धीरे धीरे इसी तरह से रोलिंग होते पूरा होता है, ठीक है। तो जैसे जो प्रोडक्ट बिक गया, जितना सब बेच सकते हैं हम लोग, जैसे दो पार्टी है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टर, और जो कॉन्ट्रैक्ट देता है, ठीक है, वो होता है कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब हु टेक्स कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और कॉन्ट्रैक्टी मतलब हु गिवन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। अब जैसे मान लो ये 1 अप्रैल 2020 से लेके 31st ऑफ मार्च 2021 तक का मान लो हमारा अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। अब एक साल में क्या होगा, एक एक साल में हम लोग मान लो सर्टिफाइड करवा रहे हैं, तो जैसे ही 31st मार्च आएगा तो कोई आर्किटेक्चर को हमें बुलाना पड़ेगा, उनसे सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा, तभी हम लोग कॉन्ट्रैक्टी को बेच पाएंगे अपना प्रोडक्ट जितना सा बना है। लेकिन ऐसा जरूरी तो, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब देखो जो बेच पाएंगे वो सेल हो जाएगा, ठीक है, जिसका सर्टिफिकेशन मिल जाएगा वो सेल हो जाएगा, और उसके लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, वर्क सर्टिफाइड, जो सर्टिफाइड हो गया उसमें हम लोग प्रॉफिट लगा के बेच देंगे, लेकिन जो सर्टिफाइड नहीं हुआ उसे हम लोग बोलेंगे अनसर्टिफाइड। अब अनसर्टिफाइड वर्क कैसे बनता है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने जितना भी मान लो कंस्ट्रक्शन पूरा किया है, अब मार्च के 31st को ही आर्किटेक्चर हर जगह पहुंच जाएगा ऐसा तो नहीं है, एक हम लोग ही तो नहीं है जो उनको बुला रहे, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, तो वो सभी बुला रहे होंगे, तो वो सपोज मार्च महीने में स्टार्ट कर दिए हैं ऐसे चेक करना, ठीक है, तो हमारे पास वो 15th मार्च को आ गए थे, ठीक है, 15th मार्च को आए तब हमारा इतना काम कंप्लीट हुआ था इतना तक का, और उन्होंने यहां पर एक सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है, सर्टिफिकेट दे दिया, तो यहां तक का काम उन्होंने सर्टिफाइड कर दिया, ठीक है, सर्टिफिकेट दे दिया तो यहां तक सर्टिफाइड हो गया, तो इतना तक का काम का अगर हमें सर्टिफिकेशन मिल गया तो ये पूरा काम को हम लोग बोल सकते हैं वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, सर्टिफाइड। अब इसमें वैल्यू क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको हम लोग सेल कर सकते हैं, मतलब जितना भी यहां तक कॉस्ट लगाया है उसमें प्रॉफिट ऐड करके कॉन्ट्रैक्टी को हम लोग बेच सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी तो हमारा उस अकाउंटिंग ईयर में काम चला 15 और भी 15 दिन काम चला, 15 या 16 दिन हो रहा है, और भी 16 डेज यहां पर काम चल रहा था, लेकिन यहां पर सर्टिफिकेशन नहीं मिला, क्योंकि सर्टिफिकेशन देने के लिए वो 15 तारीख को आ गए, ठीक है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का जो काम हुआ है वो वर्क तो हुआ है, वर्क तो ऑब्वियसली हुआ है, बट वर्क क्या है, नॉट सर्टिफाइड, क्योंकि ये तो उसके बाद बना था, उन्होंने आके जब साइन वाइन किया होगा अपना डेट वेट लगा दिया होगा तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, तो ये दिया हुआ है। यहां से यहां तक का क्या है, काम तो कंप्लीटेड है हमारे तरफ से, लेकिन इसका सर्टिफिकेशन
सर्टिफिकेशन नहीं मिला, अगर सर्टिफिकेशन नहीं मिला तो बेच नहीं सकते हैं, तो इसे क्लोजिंग स्टॉक की तरह हमें लिखना पड़ेगा। इसलिए वर्क नॉट सर्टिफाइड का हमेशा कॉस्ट होता है, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड। इसीलिए वैल्यू बोला जाता है जो सर्टिफाइड वर्क है बिकॉज वो सेलेबल है, और जो अनसर्टिफाइड है उसे हम लोग कॉस्ट बोलते हैं क्योंकि वो सेलेबल नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट सिक्स्थ नंबर। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज